हेलो एवरीवन आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल सिविल सर्विसेज जॉइनिंग टाइम रूल्स 1979 स्टार्टिंग विद एप्लीकेबिलिटी ऑफ दीज रूल्स ये रूल्स किनको अप्लाई होते हैं सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को इंक्लूडिंग वर्क चार्ज स्टाफ को भी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर पोस्टेड हैं इंक्लूडिंग वर्क चार्ज स्टाफ उन सब पे ये रूल्स अप्लाई होते हैं और किन ये रूल्स अप्लाई नहीं होते जैसे रेलवे एम्प्लॉज आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल या ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी डिफेंस सर्विस एस्टिमेट से बनती हो ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिनकी सैलरी कंटिनजेंसी से पे की जाती हो या ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क करते हैं या पार्ट टाइम वर्कर्स हैं तो उन पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होते तो ये सब आपको याद रखने हैं पॉइंट्स किन किन को जॉइनिंग टाइम रूल्स अप्लाई नहीं होते रेलवे एम्प्लॉयज़ को आर्म फोर्सेस पर्सनल को या ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी डिफेंस सर्विस एस्टिमेट से बनती हो ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिनकी पेमेंट कंटिजेंसी से होती हो ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं या पार्ट टाइम वर्कर्स हैं नेक्स्ट टॉपिक इस ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबिलिटी किन केसेस में ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे अगर किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र होता है इन पब्लिक इंटरेस्ट चाहे सेम स्टेशन पर या अनदर स्टेशन पर तो न्यू पोस्ट ज्वाइन करने के लिए उसे ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा अगर सरप्लस स्टाफ का ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम वन पोस्ट टू एन अदर पोस्ट अंडर स्कीम रेगुलेटिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ अगर ऐसे सरप्लस स्टाफ का ट्रांसफ़र किया जाता है तब भी जॉइनिंग टाइम दिया जाता है नेक्स्ट पॉइंट इज़ अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पोस्टिंग होती है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या इंटरव्यू को क्लियर करके जो कि सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए होते हैं जैसे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम तो उस केस में भी ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है लेकिन अगर वो एम्प्लॉई टेम्प्रेरी एम्प्लॉई है और उसकी अभी थ्री इयर्स की रेगुलर सर्विस कंप्लीट नहीं हुई है तो उसे सिर्फ ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा ज्वाइनिंग टाइम पे नहीं दी जाएगी तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है अगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो टेम्प्रेरी एम्प्लॉई है और उसकी थ्री ईयर्स की अभी रेगुलर सर्विस कंप्लीट नहीं हुई है तो उसे सिर्फ ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा ज्वाइनिंग टाइम पे नहीं दी जाएगी नेक्स्ट इज़ अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस की इस्टेब्लिशमेंट को रिड्यूस कर दिया जाता है तो कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट्स को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और उन्हें रि री अपॉइंट कर दिया जाएगा दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में तो उस केस में भी ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है नेक्स्ट केस इज़ वंस इन अ कैलेंडर ईयर वाइल प्रोसीडिंग ऑन लीव फ्रॉम अ प्लेस इन अ रिमोट लोकेलेटी और टू अ प्लेस इन रिमोट लोकेलिटी अगर कोई साल में एक बार लीव पे जाता है किसी रिमोट प्लेस पे या रिमोट प्लेस से जा रहा है तो उसे जॉइनिंग टाइम दिया जाएगा ऐसी वंस इन अ कैलेंडर ईयर वाइल रिटर्निंग फ्रॉम लीव फ्रॉम अ प्लेस इन रिमोट लोकेलिटी और टू अ प्लेस इन रिमोट लोकेलेटी साल में एक बार अगर कोई लीव से वापस आ रहा है किसी रिमोट प्लेस से या रिमोट प्लेस को जा रहा है तो उस केस में भी उसे ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा नेक्स्ट पॉइंट वंस इन अ कैलेंडर ईयर टू ऑफिशियल्स डोमिसाइल्ड इन यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडेमान एंड निकोबार एंड लक्ष्वदीप वाई प्रोसीडिंग ऑन लीव टू देयर होम टाउन इन अनदर आइलैंड ऑन द यूटी एंड रिटर्निंग फ्रॉम होम टाउन साल में एक बार ऐसे ऑफिशियल्स जो अंडेमान निकोबार या लक्ष्मदीप यूनियन टेरिटरी में पोस्टेड हैं अगर वो होम टाउन जाते हैं अपने और होम टाउन से वापस आते हैं तो उन्हें जॉइनिंग टाइम दिया जाएगा नेक्स्ट इज नो ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिसिबल किन केसेस में ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाता अगर कोई एम्प्लॉई टूर पे जाता है तो उसे ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाएगा अगर किसी एम्प्लॉई का टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र होता है टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र मतलब जो ट्रांसफ़र का पीरियड है वो वन एटी डेज से ज़्यादा नहीं है यानी कि अगर किसी की वन एटी डेज़ के लिए ट्रांसफ़र की जाती है तो उसे टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र माना जाता है और उस केस में ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाता इन दोनों केसेस में सिर्फ एक्चुअल ट्रांसिट टाइम जो एक्चुअल ट्रैवलिंग टाइम है वो अलाउड होता है जॉइनिंग टाइम नहीं दिया जाता अगर कोई न्यू अपॉइंटी है यानी कि कोई न्यू पोस्ट को ज्वाइन कर रहा है ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू एस एग्ज़ाम और यू एग्ज़ाम तो उसे भी जॉइनिंग टाइम नहीं दिया जाएगा अगर किसी की ट्रांसफ़र हो रही है ऑन रिक्वेस्ट पे ख़ुद की रिक्वेस्ट पे अगर वो कोई ट्रांसफ़र करवा रहा है अपनी तो उसे भी ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाएगा तो ये केसेस आपको याद रखने हैं ऑन टूर ऑन टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र टू जॉइन अ न्यू पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड ट्रांसफर एट ओन रिक्वेस्ट इन चारों केसेस में जॉइनिंग टाइम अलाउड नहीं होता नेक्स्ट इज कमेंसमेंट ऑफ जॉइनिंग टाइम अगर किसी एम्प्लॉय की ट्रांसफ़र होती है और उसे रिलीव किया जाता है फोरनून में तो उसका जॉइनिंग टाइम स्टार्ट होगा सेम डे पर अगर उसे रिलीव किया जाए आफ्टर नून में तो उसका जॉइनिंग टाइम स्टार्ट होगा नेक्स्ट डे पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये या आपको याद रखना है अगर फोरनून में किसी को रिलीव किया जाए तो उसका ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट होगा सेम डे पर अगर आफ्टरनून में रिलीव किया जाता है तो ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट होगा नेक्स्ट डे पर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अमाउंट ऑफ ज्वाइनिंग टाइम अगर एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र सेम स्टेशन पे होता है तो उसे वन डे का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है लेकिन अगर उसका ट्रांसफ़र किसी और स्टेशन पे कर दिया जाता है यानी कि अनदर स्टेशन पे उसका ट्रांसफ़र होता है तो उस केस में दो केसेस बनते हैं अगर उसका स्टेशन चेंज हो रहा है लेकिन उसका रेजिडेंस चेंज नहीं हो रहा तो उसे वन डे का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है लेकिन अगर उसका स्टेशन भी चेंज हो रहा है और रेजिडेंस भी चेंज हो रहा है तो उस केस में उसका ज्वाइनिंग टाइम डिपेंड करेगा कि उसके ओल्ड हेड क्वार्टर और न्यू हेड क्वार्टर में कितना डिस्टेंस है बाय डायरेक्ट रूट एंड बाय ऑर्डिनरी मोड ऑफ़ ट्रैवल इसके लिए एक टेबल दिया गया है जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे उसकी सारी लिमिट्स आपको याद रखनी है तो आपको ये सब पता होना चाहिए ज्वाइनिंग टाइम की कितनी अमाउंट होती है अगर सेम स्टेशन पे ट्रांसफ़र होता है तो वन डे ज्वाइनिंग टाइम मिलता है लेकिन अगर स्टेशन चेंज होता है लेकिन रेजिडेंस चेंज नहीं होता तब भी वन डे का ज्वाइनिंग टाइम ही मिलेगा लेकिन अगर स्टेशन चेंज हो रहा है और रेजिडेंस भी चेंज हो रहा है तो ज्वाइनिंग टाइम डिपेंड करेगा कि उसके ओल्ड हेडकॉर्टर और न्यू हेडक्वाटर में कितना डिस्टेंस है बाय डायरेक्ट रूट एंड बाय ऑर्डिनरी मोड ऑफ़ ट्रैवल जिसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में एक टेबल पढ़ेंगे यहाँ पे सेम स्टेशन का मतलब है सेम यूनिसपैलिटी का एरिया तो आप देखते हैं कितना जॉइनिंग टाइम मिलेगा अगर एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र किसी और स्टेशन पे हो जाता है और उसका रेजिडेंस भी चेंज हो जाता है उसके लिए टेबल है जिसे आपको याद करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये टेबल एज़ इट इज़ आपको याद करना है तो फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू हेड क्वार्टर्स अगर उसके ओल्ड और न्यू हेड क्वार्टर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो थाउजेंड किलोमीटर या थाउजेंड किलोमीटर से कम है तो उसे जॉइनिंग टाइम मिलेगा टेन डेज़ का इसमें फ़र्दर एक और कंडीशन है अगर ओल्ड हेड क्वार्टर और न्यू हेड क्वार्टर के बीच में जो रास्ता है वो ऐसा है कि उसे दो सौ किलोमीटर से ज़्यादा रोड से ट्रैवल करना पड़ेगा तो उसे टेन डेज़ की जगह ट्वेल्व डेज़ का ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा तो ये कंडीशन आपको याद करनी है अगर क्वेश्चन में अलग से मैंशनड है कि उसे रोड से ट्रैवल करना पड़ेगा फॉर मोर देन टू हंड्रेड किलोमीटर तो उस केस में उसको टू डेज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे यानी कि ट्वेल्व डेज़ में उसे जॉइनिंग टाइम मिलेगा नेक्स्ट इज अगर डिस्टेंस ओल्ड हेड क्वार्टर और न्यू हेड क्वार्टर के बीच में थाउज़ेंड किलोमीटर से ज़्यादा है लेकिन टू थाउजेंड किलोमीटर तक है तो उस केस में ज्वाइनिंग टाइम मिलता है ट्वेल्व डेज़ फिर अगर वही कंडीशन है कि उसे दो सौ किलोमीटर से ज़्यादा रोड से ट्रैवल करना पड़ेगा तो उस केस में उसे फ़िफ्टीन डेज़ मिलेंगे यानी कि इस केस में उसे थ्री डेज एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर उसे रोड से ट्रैवल करना पड़ रहा है दो सौ किलोमीटर से ज़्यादा नेक्स्ट अगर ओल्ड हेड क्वार्टर और न्यू हेड क्वार्टर के बीच का जो डिस्टेंस है वो टू थाउजेंड किलोमीटर से ज़्यादा है तो उस केस में उसे ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा फिफ्टीन डेज़ का और अगर इस केस में उसे टू हंड्रेड किलोमीटर से ज़्यादा रोड से ट्रैवल करना पड़ रहा है तो तब भी उसे जॉइनिंग टाइम फिफ्टीन डेज़ का ही मिलेगा तो ये सभी आपको कंडीशंस याद रखनी है अगर थाउजेंड किलोमीटर या थाउजेंड किलोमीटर से कम है जॉइनिंग डिस्टेंस uh, तो जॉइनिंग टाइम मिलता है टेन डेज़ लेकिन अगर कंडीशन दी हुई है कि उसे रोड से ट्रैवल करना पड़ रहा है फॉर मोर देन टू हंड्रेड किलोमीटर्स तो उसे ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा ट्वेल्व डेज़ का ऐसे ही अगर डिस्टेंस थाउजेंड किलोमीटर से ज़्यादा है लेकिन टू थाउजेंड तक है तो जॉइनिंग टाइम मिलता है ट्वेल्व डेज़ का लेकिन अगर उसे 200 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है रोड से तो मिलेगा 15 डेज़ का तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है अगर डिस्टेंस ओल्ड हेड क्वार्टर और न्यू हेड क्वार्टर का मोर देन 2000 किलोमीटर है तो नॉर्मल जॉइनिंग टाइम भी 15 डेज़ है और वो 200 किलोमीटर से ज़्यादा अगर रोड से ट्रैवल किया है तो उस केस में भी फ़िफ्टीन डेज़ ही है तो ये आपको सब याद होने चाहिए लेकिन अगर वो एयर से ट्रैवल करते हैं अगर वो एयर से ट्रैवल करता है चाहे डिस्टेंस कितना भी हो तो उसे मैक्सिमम कितना मिलेगा जॉइनिंग टाइम ट्वेल्व डेज़ का मिलेगा तो ये आपको याद रखना है अगर वो ट्रैवल कर रहा है एयर से तो उसे मैक्सिमम जॉइनिंग टाइम कितना मिलेगा ट्वेल्व डेज अगर क्वेश्चन दिया गया है कि जो ट्रांसफ़र हुआ है एम्प्लोई का और ओल्ड हेड क्वार्टर और न्यू हेड क्वार्टर के बीच का डिस्टेंस है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स तो और वो ट्रैवल कर रहा है एयर से तो बताओ कितना जॉइनिंग टाइम मिलेगा तो उस केस में हम फिफ्टीन डेज़ नहीं मानेंगे बल्कि कितना मानेंगे ट्वेल्व डेज चाहे डिस्टेंस टू थाउजेंड किलोमीटर से ज़्यादा है लेकिन ये कंडीशन है अगर ट्रैवलिंग बाय एयर हो रहा है तो उस केस में मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम कितना मिलेगा ट्वेल्व डेज़ का अब कुछ पॉइंट्स हैं ज्वाइनिंग टाइम रूल से रिलेटेड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हें आपको याद करना है इन्हें स्किप मत करना फ़र्स्ट पॉइंट इज़ वैन हॉलीडेज़ फ़ोलो ज्वाइनिंग टाइम द नॉर्मल ज्वाइनिंग टाइम मे बी टीम टू हैव बीन एक्सटेंडेड टू कवर सच हॉलीडेज़ हाउ एवर हॉलीडेज़ कैन बी प्रिफिक्स टू ज्वाइनिंग टाइम अगर कोई भी हॉलीडे ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट होने पर पड़ती है तो उसे हम एक्स्ट्रा नहीं मानते वो ओवरलैप्स कर जाती है जॉइनिंग टाइम के साथ यानी कि उसे एक्स्ट्रा इंक्लूड नहीं करते लेकिन अगर कोई ज्वाइनिंग टाइम के बाद हॉलीडे पड़ जाती है तो हम ऐसा मानेंगे कि हमारा ज्वाइनिंग टाइम उतनी हॉलीडेज से एक्सटेंड हो गया है फॉर एक्ज़ाम्पल किसी का ज्वाइनिंग टाइम था फिफ्टीन डेज़ का फिफ्टीन डेज़ का उसका ज्वाइनिंग टाइम था और उसे उसका जो ज्वाइनिंग टाइम है वो एटीन जुलाई को ख़त्म हो रहा है एटीन जुलाई को उसके फिफ्टीन डेज़ पूरे हो रहे हैं उसे नाइनटीन जुलाई को ज्वाइन करना है ऑफिस लेकिन नाइन्टीन जुलाई को मान लो कोई हॉलीडे आ गई कोई नेशनल हॉलीडे या संडे कुछ भी मतलब कोई हॉलीडे है नाइन्टीन जुलाई को यानी कि वो नाइन्टीन जुलाई को तो ज्वाइन नहीं करेगा तो ज्वाइन कब करेगा वो ट्वेंटियथ जुलाई को तो इसका मतलब क्या है उसका जो जॉइनिंग टाइम था वो एक्सटेंड हो गया बाय वन डे वैसे तो फिफ्टीन डेज के बाद उसे ज्वाइन करना था लेकिन वो ज्वाइन कब कर रहा है सिक्सटीन डेज़ के बाद ट्वेंटियथ जुलाई को ज्वाइन कर रहा है तो ये पॉइंट ये कहना चाहते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज़ इन केस ऑफ़ ट्रांसफ़र टू एंड फ्राम नॉर्थ ईस्ट रीजन इंक्लूडिंग सिक्किम अंडेमान एंड निकोबार लक्ष्वदीप एंड लद्दाख टू डेज एडिशनल ज्वाइनिंग टाइम इज़ अलाउड बिसाइड्स नॉर्मल लिमिट्स अगर किसी का ट्रांसफ़र टू या फ्राम नॉर्थ ईस्ट रीजन इंक्लूडिंग सिक्किम अंडेमान निकोबार या फिर लक्षवदीप या लद्दाख ऐसे ही जगहों पर उसका ट्रांसफ़र हो रहा है या वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस केस में उसे टू डेज़ का एक्स्ट्रा ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है जो नॉर्मल लिमिट्स हैं उससे एक्स्ट्रा दो दिन और दिए जाते हैं उसे जॉइनिंग टाइम में नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस शुड बी कैलकुलेटेड ऑन एक्चुअल बेसिस एंड नॉट ऑन ओनली वेटेड वन फॉर विच फेयर इज़ चार्ज बाई रेलवेज इन सम सेक्शंस अभी हमने जो डिस्टेंस की बात करी ओल्ड हेड क्वार्टर और न्यू हेड क्वार्टर के बीच का जो डिस्टेंस वो हम कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल बेसिस पे वेटेड बेसिस पे नहीं जैसे रेलवेज कैलकुलेट करता है जब वो हिली एरियाज़ में डिस्टेंस कैलकुलेट करता है फॉर चार्जिंग फेयर्स तो वो वेटेड मेथड का यूज़ करते हैं लेकिन हम यहाँ पे जॉइनिंग टाइम को कैलकुलेट करने के लिए जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए अगर जॉइनिंग टाइम रूल्स अप्लाई करने हैं तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ऑन एक्चुअल बेसिस नेक्स्ट इज़ जॉइनिंग टाइम मे बी कम्बाइंड विथ वकेशन एंड और रेगुलर लीव ऑफ एनी काइंड और ड्यूरेशन एक्सेप्ट कैजुअल लीव ज्वाइनिंग टाइम किसी भी लीव के साथ किसी भी वकेशन के साथ कंबाइन कर सकते हैं सिर्फ कैजुअल लीव के साथ नहीं कर सकते तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक्सेप्शन होती हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जॉइनिंग टाइम को हम कैजुअल लीव के साथ कंबाइन नहीं कर सकते बाकी कोई भी लीव हो चाहे हमारी कोई भी लीव होती है जैसे अर्न लीव कम्यूटेड लीव पैटर्निटी लीव मैटर्निटी लीव कोई भी लीव होगी या कोई भी रेगुलर वेकेशन होगा तो उसमें ज्वाइनिंग टाइम को हम कंबाइन कर सकते हैं लेकिन कैजुअल लीव के साथ ज्वाइनिंग टाइम को कंबाइन नहीं कर सकते तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इससे क्वेश्चन पूछा गया था तो ये आपको याद रखना है आज के लिए इतना ही था अभी इसका और भी रूल्स बाकी हैं जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे तब तक ये आप अच्छे से पढ़ लेना थैंक यू